उस्ताद है। जनता जनता अदानी जी को मोदी जी से डायरेक्टली कोरिलेट कर रही है। मोदी जी की हार होती है, स्टॉक मार्केट कहता है भैया मोदी जी गए तो अदानी जी गए, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, करप्शन की रिलेशनशिप है। और देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं, एंड दिस इज द मेन थिंग दैट दिस इलेक्शन हैज सेड। द कंट्री हैज यूनानिमसली एंड क्लियरली स्टेटेड वी डू नॉट वॉन्ट मिस्टर नरेंद्र मोदी एंड मिस्टर अमित शाह टू बी इन्वॉल्व इन द रनिंग ऑफ दिस कंट्री। वी डू नॉट लाइक द वे दे हैव रन दिस कंट्री। वी डू नॉट अप्रिशिएट द वे दे हैव अटैक्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। वी डू नॉट अप्रिशिएट द वे दे हैव रन दिस कंट्री फॉर द लास्ट 10 years। सो दैट इज ए ह्यूज मैसेज टू मिस्टर नरेंद्र मोदी। आईड लाइक टू थैंक एवरीबडी हु हैज पार्टिसिपेटेड इन दिस इलेक्शन। आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। आई एम एक्सट्रीमली प्राउड of the people who have resisted this onslaught on the constitution. और अंत में मैं आपको कह दूं कि इसको बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है, सबसे गरीब लोगों ने किया है, मजदूरों ने किया है, किसानों ने किया है, दलितों ने किया है, आदिवासियों ने किया है, पिछड़ों ने किया है। इन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया है। इस कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन देश की आवाज है। बहुत सारे लोग ने इसको नहीं बचाया, चुप रह गए थे, मगर हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोग, सबसे कमजोर लोग खड़े हो गए और उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। जो हमने आपको वायदे किए थे, हम वो वायदे आपके लिए पूरे करेंगे। जाति जनगणना, महालक्ष्मी, ये हमारे वायदे हैं। धन्यवाद।